गाइस वेलकम टू क्रेजी क्लाउंस। सो अगर आप आज देखिए तो हमारा नया सेटअप है। सी सी द बैकग्राउंड एंड सी द माइक। ओके, तो आज हम चौथे पॉडकास्ट है ना, चौथा पॉडकास्ट है, हाँ चौथा एपिसोड है। आप सोच रहे होंगे चौथा कैसे, तीसरा कहाँ गया? तीसरा कल बनाया था वो उसने डिलीट कर दिया। देखो सेटअप, लेट्स फोकस। तो वैसे देखे जाता है थर्ड वीडियो है बट चौथा पॉडकास्ट है, तीसरा मिसिंग है, छोड़ दीजिए। तो आज के पॉडकास्ट में हम वही बात करेंगे जो कल किया था, वो पॉडकास्ट मिसिंग है। थोड़ा मुश्किल होगा यार उस बारे में दोबारा बात करना ना, बट ठीक है, कोई बात नहीं है। पहली बार में क्या होता है यार, चीज़ें नेचुरल आती है ना। हाँ तो कोई बात नहीं है, थोड़ा फरमाइश आता है कि एक वीडियो के लिए माफ़ कर देंगे दर्शक हमारे। तो आज हमने फर्स्ट एपिसोड में भी एक क्वेश्चन छोड़ा था जो हमने कहा था कि लगता होगा फ्रेशर्स को कि हमको ऐसा क्या करते हैं हम कि हमको कंपनी पैसा पे करती है, सैलरी पे करती है। तो उस पर आज बात करेंगे हम, कोशिश करेंगे सबको समझाएं कि किस तरीके से आप करते क्या हैं और आपको कंपनी पैसा क्यों देती है। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे कुछ सवाल हैं, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो पहला सवाल यही है आपसे कि आप थोड़ा ये विस्तार में लोगों को समझाने की कोशिश करिए, नए लोगों को, कि ये जो फ्रेशर्स होते हैं जो नए नए प्रोजेक्ट में आते हैं, इवन दो उनका टेक्निकल स्किल स्टार्टिंग में उतना कैपेबल नहीं होते, वो टेक्निकली धीरे धीरे लर्न करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उनसे एक कंपनी कैसे पैसा कमाना शुरू करती है ताकि वो अभी तक जो लाइबिलिटी थे वो उस कंपनी के लिए एसेट बन जाए। तो वही तो बोला मैं बात करूँगा, हम बात करेंगे। यस, ओके। तो जब एक फ्रेशर आईटी में ज्वाइन करता है तो उसको वो टाइम पे उसको ज़ीरो नॉलेज होती है कि वो क्या ऐसा करेगा कि उसको कंपनी पैसा देगी, लेकिन कंपनी फिर भी फ्रेशर्स को हायर करती है, बहुत ज़्यादा हायर करती है, क्योंकि फ्रेशर्स को सैलरी कम देना पड़ता है और एक बार उनको सिखा के थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके कुछ महीने ट्रेनिंग दे के, क्लासेस करवा के, टेस्ट ले के, थोड़ा सीनियर्स के साथ सिखा के, उनको ट्रेन करके पूरी तरीके से उनसे अच्छा खासा पैसा अर्न करती कंपनी, तो वो इन्वेस्टमेंट वर्थ होता है, इसलिए कंपनी हायर करती है फ्रेशर को। अब कंपनीज जितना भी हम लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं वो सारा कंपनीज प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, कस्टमर्स के क्लाइंट्स बोलते हैं उनको जिनके प्रोजेक्ट चलाते हैं। तो जैसे कि एक स्पोर्ट्स शू कंपनी है, मान लीजिए बहुत फेमस कंपनी है, ठीक है, तो उसका वो शू कंपनी का आपने देखा होगा, आप सबने देखा होगा, वेबसाइट्स होती है ना, ऐप्स भी होती हैं आजकल, तो वो क्यों, वो कौन बनाता है वो वेबसाइट, कौन बनाता है वो ऐप, कौन बनाता है वो? आईटी कंपनीज में ही बनती है, ठीक है। तो कौन बनाता है उसको? हमारे जैसे इंजीनियर्स, डेवलपर्स। तो उसमें जो फ्रेशर्स होते हैं उनको भी मौका मिलता है बनाने का, उनको भी काम करने का मौका मिलता है। तो जो जितने इंजीनियर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, वो सब के सब मिलके काम करते हैं, वो ऐप बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, और वो कंपनी बनवा के कस्टमर को या क्लाइंट को देती है। वो कस्टमर या क्लाइंट, वो ऐप्स और वेबसाइट एंड यूज़र जो कि कुछ सिटीजन होते हैं या हमारे जैसे लोग, अगेन जो ख़रीदते हैं, वो सामान खरीदते हैं, शूज़ खरीदते हैं, मर्चेंडाइज खरीदते हैं, उसके लिए वो यूज़ करते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या है क्लाइंट को या स्पोर्ट्स कंपनी को, स्पोर्ट्स शू कंपनी को, कि उससे फ़ायदा ये है कि उससे उनका कस्टमर बेस ज़्यादा होता है, उनकी बिक्री ज़्यादा होती है, तरीके ज़्यादा होते हैं। एक तो बिक्री तरीका होता है स्टोर, जो फिजिकल स्टोर है, वहाँ पर कोई नहीं भी आ पा रहा है, लोगों का मन नहीं आने का, दे कैन स्टिल बाय थ्रू ऐप और वेबसाइट, तो घर बैठे भी बाय कर सकते हैं, उनके घर पे आ जाएगा सामान। तो इससे बिजनेस चलता है कस्टमर का, क्लाइंट का। जब उनका बिजनेस चलता है उनको प्रॉफिट आता है, वो उस प्रॉफिट में से हमारी कंपनी को पे करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे प्रोडक्ट बनवाया है, कंपनी से प्रोजेक्ट करवाया है, और कंपनी उसमें से जो प्रॉफिट उनको होता है उसमें से कुछ प्रॉफिट हमको देती है एज अ सैलरी। और आप अगर देखें, मतलब कोई भी अगर छोटी से छोटी कंपनी है या फिर कोई भी स्टार्टअप है, तो वो कुछ टाइम के बाद स्टार्ट होने के बाद वो हमेशा एक वेबसाइट्स बनाने के लिए किसी भी आईटी कंपनी को अप्रोच जरूर करती है ना, कोई भी वो बिज़नेस हो, वो इसलिए करती है क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग उसके लिए
एप्लीकेशंस बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो उसका प्रोसेस काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है और वो हर चीज़ ट्रैक कर सकता है, अपनी हिस्ट्री मेंटेन कर सकता है, राइट, वो सारे अपना फीचर बैकलॉग है, रख सकता वो है, सारे पूरा फीचर है, वो फीचर्स हैं अपीलिंग तो। फीचर्स है जिससे हाँ कि और इंगेज रहता है जो एंड यूज़र है, जो कस्टमर है वो इंगेज रहता है यस जो तुम बता रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे फीचर होते हैं, बट एट दी एंड क्या है, उनका बिजनेस चलना चाहिए। वो बिजनेस चलता है वेबसाइट से, ऐप से बिजनेस चलता है, और उस बिज़नेस से उनको प्रॉफिट होता है, वही सारा पैसा घूमता है और हमारे पास सैलरी आती है। जब सैलरी आती है और सैलरी जब आती है, हम उससे वही जूता खरीद लेते हैं, एग्जैक्टली देखा आपने। तो हम एक और बात करना चाहेंगे, इसमें कंटिन्यू करना चाहेंगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। मेरा हाँ दूसरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि जब भी कोई फ्रेशर एक कंपनी में ज्वाइन करता है, तो ज़्यादातर ये एक काइंड ऑफ लोग ऐसा मानते हैं कि एक फ्रेशर को ना या तो उसको डॉक्यूमेंटेशन का काम दिया जाएगा प्रोजेक्ट में, या तो फिर उसको सपोर्ट में डाला जाएगा, है ना, प्रोडक्शन सपोर्ट करेगा वो, मतलब ऐसा कोई एक्टिवली डेवलपमेंट में पार्ट नहीं रहता है। ऐसी एक काइंड ऑफ माइंडसेट है लोगों के दिमाग में कि फ्रेशर को प्रोजेक्ट में केवल लिमिटेड चीज़ें ही टच करने दी जाती हैं, है ना, मोस्टली ऑन द डॉक्यूमेंटेशन साइड। क्या ये सच है या फिर नहीं, ये सच नहीं है, बट ये एक पर्सपेक्टिव है। क्या होता है, जो डेवलपमेंट करते हैं वो बेचारे मराते रहते दिन रात, काम ज़्यादा करना पड़ता है, तो वो बोलने के लिए आते नहीं है बाहर निकल के, ठीक है। और जब डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन मज़ा तो आता नहीं है, उसमें बोर होते हैं, वो डॉक्यूमेंट बनाना, वर्ड बनाना, वर्ड डॉक्यूमेंट, PPT, एक्सेल, बोर होते हैं, तो हम यही चिल्लाते हैं, अरे ये तो बोरिंग काम है, क्या बकवास काम मिल जाता है फ्रेशर्स को, है ना। तो इस तरीके से हम भ्रांति फैला देते हैं। वैसे ही टेस्टिंग का भी होता है, मैं नहीं बोल रहा कोई काम ये काम लेस इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये हमारे ऊपर, हम उसको कैसे लेते हैं और हम कैसे उसकी भ्रांति फैलाते हैं। तो जब भी कोई फ्रेशर आता है, या जब भी कोई कंपनीज बल्क में फ्रेशर उठाती है, फ्रेशर हमेशा बल्क बल्क में उठाए जाते हैं। आप देखोगे तो कॉलेज प्लेसमेंट में कोई फलानी कंपनी आएगी, TCS आएगी, वो इतने सारे ले जाएगी, इन्फोसिस आएगी, वो इतने सारे ले जाएगी, वो बल्क में लेके जाते हैं। अगर 100 100 लोग लेके गए, वो 100 फ्रेशर्स हायर करके गए, तो उसमें से क्या करेंगे, वो 20 20 लोगों को डाल देंगे टेस्टिंग में, 20 लोग डाल देंगे डेवलपमेंट में C#, 20 लोग डाल देंगे जावा डेवलपमेंट, 20 लोग सपोर्ट, इस तरीके से करके वो बांट देते हैं। ये नंबर आगे पीछे हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनके पास काम क्या है उस समय, बट इस तरीके से बांट के डाल देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे फ्रेशर सपोर्ट ही कर रहे हैं, सारे फ्रेशर डेवलपमेंट ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्लस अगर करना भी पड़ता है सबको, तो कंपनी की बात है, कंपनी के पास बिज़नेस क्या है। अगर कंपनी के पास बिज़नेस है कि आपसे डॉक्यूमेंटेशन करवाना है, वो करवाएगी, कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से। आपको पड़ता होगा, कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उनको करवाना है सबसे, तो सबसे डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे। उनको पैसा, अपने कस्टमर से पैसा लेने से मतलब है, उनका काम लेंगे तो काम करके देंगे और पैसा लेंगे। दिस इज़ द बॉटम लाइन। यस, मेरा एक और सवाल है, तो आपसे थोड़ा ये जानना चाहेंगे, सिंस आपने अपने करियर के दौरान बहुत सारी कंपनीज में आपने काम किया है, वहाँ पे आपने फ्रेशर्स को ग्रूम किया है ना, तो काफ़ी समय से आप इस ये करते आए हैं काम, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक फ्रेशर जब भी किसी प्रोजेक्ट में ज्वाइन होता है, तो उसकी बिलिंग कैसे होती है, मतलब वो क्या ऐसा कहाँ क्या ऐसा वो करे ताकि उसकी कुछ एबिलिटीज़ जो हैं, जो भी टेक्निकल स्किल्स हैं, वो शोकेस हाँ कर पाए अपने प्रोजेक्ट में, ताकि कंपनी को भी आसान हो उसकी क्लाइंट से बिलिंग कराने में। हाँ बताता हूँ। ये बिलिंग शायद आप लोगों को नहीं पता होगा जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, लेकिन हम लोग आईटी में इसको बिलिंग बोलते हैं, कि एक एक कस्टमर की कस्टमर के साथ में क्या बोले हैं। बताता हूँ मैं तो, कोई बात नहीं, कोई बात। जितने लोग एक कंपनी में काम करते हैं, सबको कहीं ना कहीं से पैसा कंपनी देती है। अगर कंपनी आपसे पैसा अर्न नहीं कर रही है, अर्न आपसे पैसा कैसे अर्न करती है, आप काम करके देते हो और वो कस्टमर के पास जाता है और कस्टमर आपके काम के पैसे देता है। कस्टमर ये हमेशा देखता है कि कंपनी अगर उससे इतना पैसा ले रही है काम करने का, तो कंपनी ने कितने लोग इसमें काम में लगाए हैं, कितने एम्प्लॉय लगाए हैं, उसमें से मैनेजर कितने हैं, आर्किटेक्ट कितने हैं, टीम लीड कितने हैं, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कितने हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कितने हैं और फ्रेशर्स कितने हैं। तो फ्रेशर्स का ज़्यादातर कस्टमर पैसा नहीं देते हैं, वो कहते हैं फ्रेशर तो आपके सीखने के लिए आपने डाले हैं, सो दैट उसको आप सिखाओ, एक साल बाद प्रमोट करो और उसके फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए तो उसकी बिलिंग हमसे ले सको। तो इस तरीके से तो कंपनी हमेशा जो कस्टमर होते हैं, कंपनी को हमेशा काउंट के हिसाब से पैसा देते हैं, काउंट लेवल के हिसाब से, है ना। तो हमेशा बोला जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर कंपनी बोल रही है हमारे पास प्रोजेक्ट में 10 लोग हैं, उसमें से 5 सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं,
तो 5 लोगों की सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हिसाब से बिलिंग आएगी कस्टमर से, वो एक अलग कोड होता है, उसके हिसाब से उनका उतना पैसा कस्टमर से आता है। अब कंपनी सेम पैसा आपको नहीं देती है, कई बार कम भी देती है, कई बार बढ़ा के भी देना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन नीड। तो जब फ्रेशर आता है, फ्रेशर की बिलिंग नहीं होती है ऐसे, फ्रेशर की बिलिंग 0 डे से नहीं होती है, फ्रेशर्स के अलावा कोई भी होता है उनकी बिलिंग डे 1 से हो जाती है, वो होनी पड़ती है, बट फ्रेशर की नहीं होती, क्योंकि फ्रेशर को सिखाना होता है, ग्रूम करना होता है। फ्रेशर में इन्वेस्ट करना कंपनी का खुद का इंटरेस्ट है कि आज इनको ग्रूम करेंगे, आज इनको हम सिखाएंगे, तो ये कल हमको बेनिफिट देंगे, कल मीन्स 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद, ऐसा करके। तो फ्रेशर को आप थोड़ा सा ये बताइए कि क्या वो शोकेस करे ताकि कंपनी को भी आसान हो उसकी बिलिंग लेने में कस्टमर से। तो क्या होता है कि हमेशा कंपनी में आपकी जो टीम होती है उसके मैनेजर को या आर्किटेक्ट को या लीड को कस्टमर को प्रूफ करना पड़ता है कि देखो ये बंदे ने ये काम किया है, दिखाना पड़ता है ये काम किया है, ये बंदा वर्दी है कि इसकी आप बिलिंग चालू करो। कस्टमर को समझाना और कस्टमर को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट जॉब है, बट उसके लिए आपको बहुत सारे जो आपके लीड हैं और जो मैनेजर हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, वो उनका जॉब है, क्योंकि अगर वो बिलिंग नहीं लाएंगे और प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा कंपनी के लिए। तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आप ऐसे फ्रेशर क्या कर सकते हो कि आपकी वैल्यू बने, जिसको प्रेजेंट करके वो बिलिंग ले सकें आपकी। तो आप एज ए फ्रेशर, आपके पास सबसे सबसे जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है कि आपसे कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता ज़्यादा कंपनी में, और आपको फेलियर से नहीं डरना है, आपको जितना डिफरेंट चीज़ें हो सके ट्राई कीजिए अपने काम से रिलेटेड, काम के बाहर नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट काम से रिलेटेड। आपको टेक्नोलॉजी सीख के कुछ काम करना है, आप करिए, सीखिए, जितना काम कर रहे हैं उसका आप लर्निंग करके, आप उसकी डीप लर्निंग कर रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कस्टमर को, आप प्रेजेंटेशन देते हो बताते देखो मैंने ये काम किया इसका फ़ायदा हुआ है। अगर मुझे कुछ सीखना है, फॉर एग्जांपल मुझे गिटार सीखना है अगर प्रोजेक्ट में, नहीं 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 अब मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, ये बकर है एक्स्ट्रा, ये गिटार वाली एक्टिविटी आप घर पे रखें और इसको प्रोजेक्ट में ना लाएं। नहीं, आपने अभी बोला ना कि जितना सीखना है आप फिर मैं बोला जो आपके काम से रिलेटेड हो। अच्छा, है ना, आपसे गिटार तो बजाए ही नहीं हम नहीं बैठ के, है ना, वो अलग बात है कि कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होगी उसमें आपने बजा लिया, बट उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे काम से रिलेटेड बात हो रही है। तो टेक्नोलॉजी हो गई कोई सीखना, कोई टूल हो गया सीखना, फिर उसका जो आपने काम किया प्रेजेंटेशन बना के आप बताओ कस्टमर को, आप भी खुद प्रेजेंट कर सकते हो या आपका लीड बोल सकता है आप प्रेजेंट करो आपने काम किया, कस्टमर को लगेगा हाँ यार पोटेंशियल तो है, ये बंदा काम तो कर रहा है, ये बंदा कुछ तो आगे देगा, चलो उसका बिलिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से करके बिलिंग स्टार्ट होती है, सबकी बिलिंग एक साथ स्टार्ट नहीं होती सारे फ्रेशर्स की, बहुत सारे फ्रेशर को लेट हो जाता है, बहुत सारे फ्रेशर को जल्दी हो जाता है, बहुत सारे फ्रेशर एवरेज होते हैं, तो उसके हिसाब से उनकी बिलिंग होती है। तो कस्टमर कई बार कस्टमर एग्री नहीं करता है, कस्टमर के पास पैसा नहीं है उतना, तो ठीक है आपने फ्रेशर कंपनी फ्रेशर लेके आई है, फ्रेशर ग्रूम तो करना है सिखाना है, तो कंपनी कई बार उनको फ्री में भी काम कराती है, मतलब कस्टमर से पैसा नहीं लेती है, आपको सैलरी देगी, कस्टमर से पैसा नहीं लेगी, अपने क्लाइंट से पैसा नहीं लेगी, तो कंपनी आपको फ्री में कस्टमर को काम आपसे फ्री में करवा रही है ना, मतलब कंपनी जो है वो कस्टमर से पैसा नहीं ले रही है बट आपसे काम करा के उनको दे रही है, अपने जेब से आपको पैसा देती है, ये इन्वेस्टमेंट होता है जो कंपनी आप इन्वेस्ट करती है ताकि आप कल को उसको जब बिलिंग हो जाएगी तो आप कमा के दोगे उसको ज़्यादा 10 गुना ऐसा। तो इस तरीके से बिलिंग होती है, और आपको एज ए फ्रेशर आपको इंश्योर करना है कि आप हमेशा जहाँ से हो सके वहाँ से सीखें और जितना जल्दी सीख सकें और डीप लर्निंग करके उसको डिलीवर करें, आपका एम यही होता है, और अपना कम्युनिकेशन आप एकदम टॉप नॉच रखें जिससे टाइम आने पर आप वो चीज़ें प्रेजेंट कर सकें और आपका बिलिंग जल्दी हो सके। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हो, अभी कुछ क्वेश्चन पूछो ये कि तुम्हारी बिलिंग कैसे स्टार्ट हुई, मतलब प्रोजेक्ट में। पूछूंगा तो नहीं पूछूंगा, क्यों ना? क्यों ना? तो ये मैं पूछूं कि ना? तो कल जो हमने बात करी थी कि आप माइक्रोसॉफ्ट से आए थे, नहीं पूछूंगा हाँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट से आए थे, एक बंदा आता था वो तो फिर हम रिकॉर्डिंग करवा रहा था यार, मैं इसमें थोड़ा सा फन कर रहा था, कुछ नहीं हाँ बताओ पूछना है। हाँ ओके, तो पूछता तो इस तरीके से एक फ्रेशर को हम ग्रूम करा के, और फ्रेशर इस तरीके से ग्रूम होके अपना बिलिंग के लिए अपने लिए बिलिंग के लिए एफर्ट डालता है। अभी ये तो एक जनरल बात हो गई, ठीक है, अभी क्या होता है
ये तो सब ऐसी लाइन हो गई कि थ्योरेटिकल लाइन हो गई, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, बट होता कैसे है ऑन द ग्राउंड वो हम जानेंगे इनके एक्सपीरियंस से, ग्राउंड पे कैसा हुआ है, उसमें थोड़ा सा स्पाइस अप भी करेंगे, थोड़ा सा फनी मोड भी होगा और रियलिटी तो फॉर श्योर होगी, कुछ भी हाइप नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब आप बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपकी बिलिंग कैसे स्टार्ट हुई, आपने ज़ीरो से कैसे किया कि आपकी बिलिंग स्टार्ट हुई। तो चलिए अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए रियल टाइम, जो ग्राउंड पे हुआ है, जो जो फ्लोर पे हुआ है, वो देखते हैं दर्शकों तक लेके आते हैं, दर्शकों तक ले बताइए। हाँ, तो मैं शुरू करना चाहूँगा, जैसा कि आप लोगों को हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम प्रोजेक्ट में आने के बाद में हमारी ट्रेनिंग वगैरह हो गई, उस ट्रेनिंग के बाद हम जो है अपने साथ वालों के साथ बैठते थे डेस्क पे, उसके बाद में हमें कुछ कुछ आइटम्स हैंड ओवर किए गए ताकि आप वो चीज़ें डिलीवर कर सके, कुछ है ना बेसिक चीज़ें, तो कुछ नया एक्सप्लोर करना, उस पर कुछ POC करना, उस पर कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाना कि ये चलेगा या नहीं चलेगा प्रोजेक्ट में, वो सब काम हमें देने लगे। काइंड ऑफ हमसे कोई एक्सपेक्टेशंस ऐसी कोई इन जनरल नहीं थी, क्योंकि हम बिलिंग तो कस्टमर की बिलिंग में तो आते नहीं थे, तो हमसे यही कहा गया कि इस प्रोजेक्ट में आप कुछ एक्सप्लोर करिए और देखिए ये चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम, ताकि ये आसान हो बाद में बाकी सीनियर टेक लीड्स के लिए या फिर आर्किटेक्ट्स के लिए, जब वो रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करेंगे कि आपने पहले से ऑलरेडी कुछ कर रखा है, इस सॉल्यूशन पे काम कर रखा है, तो वो टाइम कम लेगा। तो इस तरह हम ये सब चीज़ें करते थे प्रोजेक्ट में। और एक बंदा वो प्रोजेक्ट में उस टाइम ऐसा हुआ कि कोई ना कोई हर दिन ज्वाइन करता था, है ना, तो टीम क्या हो रही थी, एक्सपेंड हो रही थी, तो उसी टीम में एक और बंदा ज्वाइन करता है जो माइक्रोसॉफ्ट से आया था, तो उसका बड़ा हल्ला हुआ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जानते हैं आप सभी लोग कि अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है माइक्रोसॉफ्ट का, कि बड़े टेक गिग्स होते हैं वहाँ पर, ये काइंड ऑफ मेंटेलिटी है लोगों के अंदर कि वहाँ का बंदा है तो एकदम पता ही खतरनाक बंदा होगा भाई वो कोडिंग वगैरह में। तो वो ज्वाइन करता है और फिर हम लोग अपनी अपनी डेस्क पे काम जो भी करते थे डेली, वो हमसे कोई पूछता नहीं था, मतलब स्टेटस कोई नहीं होता था एट द एंड ऑफ द डे कि आपने आज कहाँ पहुँचे, आपने कितना काम किया, ऐसा कोई पूछता नहीं था। तो हम लोगों ने जितना काम किया अपना किया, नाकी निकल लिए घर शाम में बस्ता पैक करके, सुबह आए फिर हमने कुछ कुछ करना शुरू किया, कुछ चला या नहीं चला उसका हमें भी कोई प्रेशर नहीं होता था कि कुछ चल रहा है प्रोजेक्ट में या फिर नहीं चल रहा। तो ये बंदा आता था भाई जो माइक्रोसॉफ्ट का है, ये डेली आके हमसे सुबह आते ही अपना बैग रखे और हमें पता चल जाए कि अब ये हमारे पास ही आ रहा है भाई, इसके पास और कोई काम नहीं है, मतलब सुबह आता है अपना झोला रखता है और हमारे पास स्टेटस लेने आ जाता है। हमारे पास आते ही खड़े होके, आज क्या किया भाई, क्या स्टेटस है, क्या कर रहे हो तुम लोग, इवन तो वो हमारी भलाई के लिए पूछ रहे हैं कि आप और सीखे कहाँ पे फंस रहे हो क्या है, बट ये हमें लगता था यार, गुस्सा तो बहुत आती थी उस टाइम पे हम लोगों को कि यार कोई और नहीं पूछता, इसको क्या चुल है, मतलब इसी को बस पूछना है प्रोजेक्ट में, और खुद तो कुछ काम करता नहीं है, ये खुद तो आता है बैग रखता है उनसे स्टेटस लेता है और मीटिंग्स करता है जाके, बस कोई कोडिंग नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है और सैलरी हमसे डबल ट्रिपल कमा रहा है, और हम लोग जो 18,000 में इतना काम करके इनको डबल ट्रिपल तो कम बोल रहे हो, ठीक है, तो 10 times 10-12 times तब हमें उतना अंदाजा नहीं था, हमें लगा ये 40-50,000 ये भी कमा रहे होंगे। तो ऐसा वो डेली पूछते थे हमसे आके, बाद में बहुत बाद में हमें पता चला जब उनसे बात करी और हम थोड़ा खुले, है ना, थोड़ा कंफर्टेबल हुए, तब बाद में पता चला कि वो हमारी भलाई के लिए ही पूछते हैं ताकि हम कहीं अटके हों तो उनसे पूछ सकते हैं। तो बाद में फिर हमने थोड़ा रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू किया कि हाँ भाई इनके पास टेक्निकल जो एक्सपर्टीज़ है तो हम जाएँ, तो उस समय बात कम करें हम, जब आपको किसी से कुछ सीखना होता है तो आप कोशिश करें कि कम बोलें, जो अगला बंदा बता रहा है सिखा रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, तो आप लिसनिंग स्किल्स अपनी इम्प्रूव करें अगर आपको कुछ भी सीखना है फॉर फ्रेशर्स, है ना, आप अपना ज्ञान मत दीजिए जब भी जाएं कि मैंने ये, आप ग्रैस्पिंग लेकिन हमारी ज़्यादा सुनते नहीं थे, ये सब बातें बड़ी बड़ी जो यहाँ पे छोक रहे हैं बट सुनते नहीं थे हमारी, ये आगे बोलिए। ऐसा था क्या? जी 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 बिल्कुल, ये हमने कोशिश तो करी है कि भाई देखो मान तो अभी नहीं रहे हमारी बात भाई प्रूव है। तो फिर ऐसे करके फिर हमारा अब कंपनी को क्या है भाई कि 1-2 महीने हो गए थे प्रोजेक्ट में, अब उसको बिलिंग चाहिए हमसे। तो क्या हुआ कि हमारे एक और सीनियर मैनेजर थे जो प्रोजेक्ट के हेड ऑफ डेवलपमेंट थे, बाय द वे बहुत ही अच्छे इंसान है वो, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम लोगों के अंदर पोटेंशियल तो दिख रहा है, तुम लोग काम की ओनरशिप ले रहे हो,
तुम लोग डाउट्स वगैरह सही पूछते हो, मतलब वैलिड क्वेश्चंस पूछते हो, तो तुम लोग एक काम करो, थोड़ा सा अपने आप को ना ग्रूम करो तुम लोग, और अपने आप की थोड़ी जो तुम्हारी टेक्निकल एबिलिटीज़ है उनको प्रेजेंट करना शुरू करो थोड़ी बिगर ऑडियंस के सामने। अभी तक तुम लोग अपने लैपटॉप में काम करते हो सिर्फ, है ना, लेकिन ये किसी को दिखाओ, अब शोकेस करो अपनी एबिलिटीज़ को, थोड़ा कंफर्टेबल फील करो बिगर ऑडियंस के सामने। तो हम लोगों को, बाय द वे आपको बता दूं कि आईटी इंडस्ट्री में कुछ सेरेमनीज फॉलो होती हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जिन पर आदमी काम करता है, कुछ गाइडलाइंस हैं, सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं। तो जैसे क्या होता है कि आपने 2 वीक में जो काम किया है, 1 से 2 वीक के बीच में, उसको आपको प्रेजेंट करना होता है कि आपने इन 2 वीक में क्या काम किया है कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर को भी जो उसने प्रोडक्ट बनवा रहा है आपसे या फिर जो भी काम करवा रहा है उस पर उसको प्रोग्रेस दिखती रहे, राइट, कि आप फ्रीक्वेंट प्रोग्रेस 15 दिन में, हाँ, तो ये प्रोग्रेस दिखनी चाहिए कि भाई क्या काम चल रहा है, ताकि वो अपने सजेशंस भी दे सकता है कि आज मेरे को यार ये डिज़ाइन अच्छी नहीं लग रही, मैंने ये सोचा था पहले जब हमने प्रोजेक्ट दिया था, क्या इसमें कुछ ऐसा चेंज कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप जब एज अ फ्रेशर आप कुछ रिव्यूज़ प्रोजेक्ट देते हैं इस टाइप के, जहाँ पे आप कलेक्टिव काम, सबने जो काम किया है उस 2 वीक के अंदर, उसको आप जाके अकेले एक प्रेजेंटेशन देते हैं कस्टमर को। तो ये मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आप को शोकेस करने का कस्टमर के सामने, कि आपने सबके काम को कलेक्ट किया, आपने एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन दिया, आपने एक डेमो दिखाया कि आपने प्रोजेक्ट में ये किया है। तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ा था मेरे केस में, जो एक फॉरेन टीम में एक डायरेक्टर थे, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया फर्स्ट डे ही कि ये बीइंग अ फ्रेशर, मतलब इसका कम्युनिकेशन ओके ओके है, और ये कॉन्फिडेंटली जो है, अच्छा तो नहीं कहूँगा, ओके ओके है, मतलब ये प्रेजेंट कर पा रहा है चीज़ें, समझा पा रहा है, ही इज़ अ गुड यू नो कैंडिडेट फॉर अस, इज अपने अपने मुंह में मिट्टू, हाँ बोलो। तो ये फीडबैक बाय द वे मैं अपने से नहीं दे रहा हूँ, जो हमारे यहाँ पे हेड ऑफ डेवलपमेंट थे उन्होंने हमें बताया कि जो डायरेक्टर है वो काफ़ी इम्प्रेस हुआ बीइंग अ फ्रेशर। तो ऐसे करके फिर उसने बहुत ही जल्दी एक ईमेल लिखा कि आशीष द प्रेजेंटेशन वॉज ग्रेट, जैसे ही उस दिन का प्रेजेंटेशन हुआ उसके बाद ही उसका ईमेल आया, द प्रेजेंटेशन वॉज वेरी ग्रेट एंड आई वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ यू नो दिस टीम एंड माई टीम एज वेल, सो वी कैन स्टार्ट फर्दर प्रोसेस फॉर बिलिंग एंड ऑल। तो ये करके एक ईमेल आया था, तो हमें ये ईमेल भी हेड ऑफ डेवलपमेंट ने दिखाया। तो ऐसे ऐसे हम लोग फिर धीरे धीरे जो भी हमारी मीटिंग्स होती थी क्लाइंट के साथ में, उसमें हमें इन्वॉल्व करना शुरू किया। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हम लोग उन मीटिंग्स में जाते थे, कुछ बात नहीं करते थे, बस सुनते थे। बाद में धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चंस पूछना शुरू किया यू नो क्लाइंट मीटिंग में भी, तो लोगों ने फिर ऐसे ऑब्जर्व करना शुरू किया और ऐसे हमारी जर्नी आगे बढ़ी। ओके, तो अगर आप सब देखें तो ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये उसी के लिए है कि पैसा कैसे मिलता है एक फ्रेशर को और उसको क्या करना पड़ता है बिलेबल रोल में आने के लिए। अच्छा, बाय द वे एक चीज़ बता दूँ आपको, एक फ्रेशर को बिलेबल रोल में आना पड़ता है, सारे एफर्ट डालने पड़ते हैं, क्योंकि कंपनी आपको बैठ के अगर आपसे कमाई नहीं कर रही है, मतलब आपके नाम पे कस्टमर से पैसा नहीं ले पा रही है, तो आपको बहुत टाइम तक बैठ के कंपनी सैलरी नहीं दे सकती है, क्योंकि वो उनके उनके पॉकेट से जा रहा है। yes. उनके पास कस्टमर से नहीं आ रहा, उनकी पॉकेट से जा रहा है। तो नो, कोई कंपनी नहीं चाहती है कि 2, 3, 4, 5, 6 महीने से ज़्यादा आप ऐसे ही काम चलाते रहो। उनको है कि 6 महीने के अंदर आपको अवेलेबल होना है, इतना एफर्ट आपको डालना है, किस तरीके से काम चलता है, नहीं तो फिर कंपनी फिर बोलती है नहीं 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 तुरंत चेंज करो, नहीं होता तो एक समय के बाद जयराम जी की, जयराम जी की मतलब समझते होंगे आप लोग, टाटा बाय बाय। तो अभी तक तो हमने बहुत थोड़ा सा ये है ना, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रखने की कोशिश करी है, थोड़ा हो सकता है बोरिंग हो गया हो कुछ लोगों के लिए, तो अभी थोड़ा सा फन करते हैं इसमें, थोड़ा फनी टॉक्स करते हैं, थोड़ा ह्यूमरस। आज तो नहीं करेंगे, आज का वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है। अच्छा, हाँ, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा नेक्स्ट पॉडकास्ट से वो थोड़ा सा हम लोग ऐसा एक्सपीरियंस ये करेंगे जिसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। अभी तक तो हम फ्रेशर्स की एक हेल्प करने के लिए हमने शुरू किए 3 वीडियो बनाए हैं कि हम उनको हेल्प कर सकें, तो उनके जो जो क्वेश्चंस वो किसी से पूछ नहीं सकते हैं, जो वो समझना चाहते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, उनको हेल्प करने के लिए हमने वीडियो बनाया। आगे हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे बट विद द पिंच ऑफ यू नो फन एंड एवरीथिंग इन दैट। तो अभी तक मुझे लगता है कि ये 3 वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ कंटेंट जो है ऑन ग्राउंड जैसा होता है वो हमने दिखाने की बताने की कोशिश करी है। अगर आपके साथ आपके जान पहचान में कोई फ्रेशर है, कोई ग्रेजुएट होने वाला है और वो ज्वाइन करने वाला है कंपनी आज कल परसों, उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और उनसे बोलिए वो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
आप हमारी हेल्प करेंगे, हम आपके लिए और कंटेंट अच्छा बनाते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते और हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। या थैंक यू, बाय 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 बाय।